दोनों पार्टीज, अलामा साजिद नकवी साहब की भी और राजा नासिर अब्बास की, जो एक दूसरे के पीछे एक दूसरे की इमामत में नमाज नहीं पढ़ सकते, पीएमएलएन में गए। और क्या नज़रिया है कि अब पीएमएलएन के बाद वो पीटीआई में दोनों चले गए। पीएमएलएन और पीटीआई में कौन सी मुश्तरक बात है जो दोनों ने उनको फोकस किया उस दफ़ा भी और इस दफ़ा भी, और दोनों ने मिलकर पीएमएलएन के साथ क्या खिदमत। दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से आप पर शदीद तंकीद की गई है, आपका नाम भी लिया गया है उनकी तरफ से और अलामा साजिद नकवी का नाम देखे है, इसकी बुनियादी वजह क्या मैं बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात उन्होंने कहा कि ये आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ती। मेरे ख्याल में वो एक मोहतरमा खातून है, मैं नहीं चाहता कि उस खातून के बारे में बात करूँ, मैं खुली बात करता हूँ। उन्हें पता होना चाहिए कि हम मिलते हैं, हमारी मुलाकातें होती हैं और हमें मैं अपने बुजुर्गों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि हम बहुत आपस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा रिलेशन है। जहाँ तक उन्हें गुस्सा है, भाई मैं पिछले इलेक्शन में, उससे पहले 2013 में, मैंने जरदारी साहब से कहा था कि आप जीबी को अगर आप आईनी सूबा नहीं बना सकते तो फाटा की तर्ज के ऊपर उन्हें पार्लियामेंट में और सेनेट में नुमाइंदगी देते, उनको यानी कौमी असम्बली में और सेनेट में, तो हम आपका साथ देंगे। नहीं अमल किया उन्होंने, दुरुस्त है, उन्हें तकलीफ है, वो जानते हैं कि हमारी वहाँ पर एक पावर ताकत है और हम जिसका साथ देंगे वो बारीक सदी से जीतेगा, वो जानते हैं, उन्हें पता है ये, और इसीलिए वो चीख चला रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह की जातियात पर उतर कर बातें करना एक सियासी क्या उसे कहते हैं लोगों से दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप जातियात पर उतर के आ जाएं और इस तरह की बातें करें, मेरे ख्याल में मैं खातून के हवाले से इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। वो बुज़ुर्ग हैं, खातून हैं, सैयदजादी हैं, उन्हें चाहिए कि अपने मकाम और मरतबे का ख्याल करें।